आप नहीं तेल एडिट कर सकती जी 35-40 lakh आ गई मुंडे जवाब नहीं दिंदी पई वो दिने भी कम दे है रात को भी कम दे है शाम को भी कम दे है तो एक तेल उड़ाने कितनी देर लगती है इतने ਬਿਆਨਤ ਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰਬਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਮਖਾ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ पर कुछ समय पहला जेकर देखा जाए तो परिवारिक मैंबर ने जिहड़े लवप्रीत दे उन्हां दे वल्लों दावा किया जा रहा है कि रबदीप दे नाल जिहड़ी फोटो वायरल हुई है बेअंत कौर दी उह उसे मुंडे नाल काफ़ी समय तो लिविंग दे विच रह रही सी। इस ते परिवारिक मैंबरां अते लवप्रीत दे जीजा जी दे वल्लों दित्ती किसी निजी चैनल नूं इंटरव्यू दे विच कहा गया सी कि फोटो दा लैबोरेटरी टैसट होना चाहीदा है ताकि लैबोरेटरी टैसट के राही पता किया जा सकता है आराम के नाल कि यह फोटो फेक है या फिर ओरिजिनल है कटिंग करके लगाई हुई है या फिर कोई एडिट की हुई है या फिर यह फोटो असल दे विच रबदीप अते बेअंत कौर दी ही है। दरअसल सारा मामला उस समय शुरू होंदा है जदों फेसबुक के राही भूआ दे मुंडे नूं वक्ख वक्ख लोकां दे वल्लों फेसबुक ते ही यह दस्या जाता है कि वह रबदीप दे नाल रिलेशन दे विच रह रही है। रबदीप की आई डी एक नहीं सगो कई व्यक्तियों के वलों भूआ के मुंडे के नाल शेयर की गई है उस तो बाद सब दे कन खड़े हो जाते हैं। एक फोटो वायरल होंगी है जिस दे विच रबदीप अते बेअंत कौर सामने खड़े दिखते हैं पर उस तो बाद बेअंत कौर के वलों जो इंटरव्यू दी गई तो कहा गया कि यह इस फोटो बारे मेरा वकील जवाब देगा। सवाल उठा कि इस फोटो विचले कुड़ी के मुँह से तिल नहीं है जो कि बेअंत कौर के मुँह से तिल है पर लवप्रीत दे परिवारिक मैंबरां दे वल्लों साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि वह एक मुंडे दे नाल लिविंग रिलेशनशिप दे विच रह रही सी। हुण तां लवप्रीत दे वकील दे वल्लों भी साफ कर दिता गया कि जेकर अजिही गल नहीं है तो असीं उत्थे दे सीसीटीवी फुटेज कढ़वा के देख सकते हाँ फोन कॉल अते फोन रिकॉर्डिंग देख सकते हाँ बार बार नंबर बदलन दा की कारण सी इह देखा जा सकता है। तो दूसरा जिहड़ा एक वड्डा मसला इस मामले दे विच सामने आंदा है वह पैसे दे लैण देण नूं लैके है। बार बार कहा जाता है बेअंत कौर दे वल्लों कि लवप्रीत उसके कोलों पैसे मंगता सी हो सकता है कि वह नशे करता होवे ये भी इल्ज़ाम लगाए गए लवप्रीत ते कि वह हर महीने मेरे तो पैसे मंगवाता सी जदों कि उसनू खाण पीण रहन सहन सब कुछ उसके घर के वलों जरूरत पूरियां कीतियां जा रही सन तो आखिरकार पैसे किस गल दे तां शक जाहिर किया गया इल्ज़ाम लगाए गए ने बेअंत कौर दे वल्लों कि लाडी नशे करता सी। पैसे भेजण की गल नूं लैके बेअंत कौर के परिवारिक मैंबर कहिंदे ने उह पैसे भेजती रही है। लवप्रीत दे जीजा जी ने निजी चैनल नूं दित्ती इंटरव्यू दे विच कहा कि $150 बेअंत कौर ने भेजे सन। एक महीना पहला 7700 रुपया आया होया वह भी $150 उस टाइम उधरों पाया होया ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤਾ ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ $150 ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $150 ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਰਬਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਓਰਿਜਿਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਕ। मैं सुनील मल्लन अपनी टीम नाल जा रहा हाँ धनौला बरनाला लाइव इन द केस ऑफ लवप्रीत। सो साढ़े नाल ट्यून करो जुड़ो साढ़े नाल और असं उत्थे अद्धे घंटे बाद पहुँच रहे हैं और तुहाडे नाल सारिया गल्लां करांगे तुहानू अपडेट देवांगे। सो आलमोस्ट तुसीं समझो 11:15 to 11:30 तक साढ़े नाल लाइव आ जाओ।
एंड यू विल गेट ऑल अपडेट्स असी की अगू करना है तो की साथ चाहिए है। सो लेट अस डू इट कम ऑन। और लवप्रीत के केस में तुम कुछ अपडेट्स भी दे दिना कि लवप्रीत के केस एफ आई आर तक रजिस्टर हुई है कल तो जी एफ आई आर है वो बड़िया गलतियां ने बड़े ही ऑब्जैक्शन ने सानू वो सारे ऑब्जैक्शन वास्ते कल मेरा लाइव शो से टी वी उस मैं दसिया कि उन्होंने ऑब्जैक्शन दे इतराज वास्ते उन्होंने ऑब्जैक्शन वास्ते असं जा रहे हैं और असी प्रॉपरली अपनी रीप्रजेंटेशन देने वाले हाँ टू द एडमिनिस्ट्रेशन और असी अपना फैसला भी देने वाले हाँ जाके परिवार नाल जी उ जथेबंदियां जुड़िया ने उन्होंने सारे ना डिस्कशन करन तो बाद असी तुहानू दसांगे भी साडा एक्शन प्लैन की बनया और असी उस एक्शन प्लैन के मुताबिक तुहाडे सहयोग मंगांगे और मैनू पूरा यकीन है कि तुसी सारे सहयोग दोगे। और ये मैं दूजी गल भी चाहना कि असी रोष प्रगट करन लई जिथे जिथे भी असी बैठे हाँ पंजाब पुलिस नू टैग करना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नू टैग करना है सीएम नू टैग करना है और काले झंडे विखाने हैं और जस्टिस फॉर लवप्रीत मंगना है। असी एडा हाई प्रोफाइल केस बनने के बावजूद जे ये कुछ नहीं करती साड़ी सरकार तो आई थिंक कुड़ियों नू या गलत बंदियों नू जिहड़े मुंडे भी गलत बाहर ने उन्होंने शह मिलनी है और उस शह तो बाद बड़े माड़े रिजल्ट आने हैं बड़े मावां दे पुत ते धीआं मरने दे क्योंकि जिन्होंने पैसे खाते ने मजे वो लै रहे ने बाहर बह के और इत्थे जिहड़े विचारे तड़फ रहे ने परिवार वो कोई भी हो सकता तुहाडा मेरा भैण भरा ही है जिहड़ा भी हैगा। सो उहदे वास्ते असीं लड़ाई लड़नी है 100% लड़नी है तुहाडा साथ बहुत जरूरी है तुहाडी मोरल सपोर्ट जदों मिलदी है तुहाडे व्यूज़ मैनूं मिलदे ने मैं कोशिश करदा कल्ले कल्ले व्यू ते जवाब देण दी और ताड़ी भी कोई सुजैशन आई ने मैनू बड़े दोस्तों ने मैनू सुजैशन दिखाई ने और सुजैशन वैल्यूएबल ने मैं उन्होंने नाल लिया। मेरे कुछ भैन भरावान ने अज भी किया एक मैम का फोन आया सी गगन जी आस्ट्रेलिया तो कहती सर मेरा तुम जी करता भाजी कहन तो मैं क्या मैं तेरा भरा ही हाँ चिंता नहीं कर तू मैं भाजी कह सकती है तो फिर उन्हें भी अगो बड़े प्यार ने कहा कि जो भी तुम आस्ट्रेलिया आना तो मैं तुम्हें टिकट तो भेजनी है तो मैं टिकट लैन तैयार मैं जल्दी आस्ट्रेलिया आ जाता मेरी बीबी भैन को आप परिवार हाँ सारे रल मिल के इस मुहिम को शुरू किया इनू अंत तक पहुँचा है। रीजन है अंत तक पहुँचा का क्योंकि ये जे एक प्रेजीडेंट सैट ना किया मैं अंत नाम क्यों लैंना मैं यदा नाम देन लगा मिशन अंत। सो मिशन अंत का मतलब ही यही है कि इस गंदगी का आप अंत करना है किसी का धी पुत सारे का कीमती है जिदा इस दुनिया तो चला गया वो वापस कितों आएगा और जोड़ा दुनिया से है चाहे वह कनेडा आस्ट्रेलिया वो तो वापस आ सकता ना। सो इस करके साडा बड़ा जरूरी है असी दुनिया को यह दसीए कि असी हूँ लॉ चाहते हाँ असी पुलिस की एफिशिएंसी चाहते हाँ असी एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी चाहते हाँ और असी यह भी चाहते हाँ कि पुलिस तो बाकी प्रशासन अपना काम जोड़ा बड़ी ईमानदारी सोच नाल बड़ी सुलझे तरीके करे ता जो लोगों इंसाफ मिल सके और लोग पुलिस प्रशासन पर यकीन कर सकन और पुलिस प्रशासन उन देखो पुलिस का काम की है कि तुहाडे कोल एक कंप्लेंट आई है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेशन की है पार्टी के बयान लेने दोनों पार्टियां के बयान लेने तथ्य कढ़ने ते सामने रखने और किन्ने शर्म की गल है कि महीने बाद पुलिस एक परचा दर्ज करती है जिन्हों आप पंजाबी की कहावत कहने कि गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़न वाली गल ये 420 गली का परचा करता कुड़ी ने करता डेफिनेटली मैनू वह इन्ना फायदा हो गया कि हूँ मैं कुड़ी डीपोर्ट करा च मेरे लिए मेरे को ट्रंप कार्ड है 420 का परचा खारिज नहीं हो सकता और पुलिस को बहुत वड्डिया पावर होंगे 420 का चलान भी भावें 2 साल पेश ना करे और बड़े सारे चीज़ा ने तो देखते हैं पुलिस साडा की सहयोग दिंदी है जनता का की सहयोग दिंदी है और की कार्रवाई करती है और जिते जिते पुलिस गलतियां करेगी असी पुलिस को भी ठोकांगे कोई शक नहीं कोई वहम नहीं मैं कल भी RTI पा चूंगा पुलिस महकमे अगों मेरे नोटिस जाएंगे। अज तो शुरू हुई है लीगल लड़ाई मैं वादा दिता है परिवार को और तुहानू ही दिना तुसी मैनू शक्ति देनी है तुसी मैनू सलाहां देनी है मैं तुहाडियां सलाहां मद्देनज़र रखते हुए उहदे ते एक्शन करना और जो भी कानूनी हक मैं लैके दे सकदा मेरे वीर लवप्रीत नू और वह भलवांगे आने वाले टाइम तो आप लवप्रीत के नाँ पर कोई हॉस्पिटल कोई गुरुद्वारा कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो का समा आएगा डेफिनेटली मैं वह भी दसागा तुम सारे मिलजुल के चलेंगे परिवार वांगू चलेंगे
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ